नमस्कार दोस्तों, आज हम चलेंगे पंजाब में स्थित फिरोजपुर शहर के हुसैनीवाला बॉर्डर पर। दोस्तों, फिरोजपुर पंजाब के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है, जो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ हम देखेंगे द नेशनल माइटियर्स मेमोरियल, शहीद भगत सिंह समाधि और समाधि माता पंजाब, जानेंगे इनकी कहानी। आइए तो चलिए मेरे साथ। इंकलाब जिंदाबाद प्रज्वलित ज्योति, यह स्मारक तीन इंकलाबी शहीदों भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के इंकलाबी जज्बों की अमर निशानी है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते शहादत का जाम पीकर आजादी की ज्वाला को प्रज्वलित किया। मैं इन तीनों देशभक्तों को तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद की प्रज्वलित ज्योति, यह स्मारक तीन राष्ट्रीय शहीदों सरदार भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव की अदम्य इंकलाबी भावना की अमर निशान। चलो चलो। When the first whistle was blown, first railway in undivided Punjab, 10th April 1862 was a great day in the history of Punjab. ये रेलवे स्टेशन फिरोजपुर डिवीजन रेलवे हेरिटेज कमेटी के अंदर। ये इमारत साक्षी है उन रिफ्यूजी ट्रेनों की जो पाकिस्तान से भारत पहुंचे और भारत से पाकिस्तान पहुंचे। यह रेलवे स्टेशन सतलुज दरिया के वेस्ट किनारे पर है, पश्चिमी किनारे पर है। ये सामने पंजाब माता की समाधि नज़र आ रही है आपको। ये सामने ब्रिज है जहां से ट्रेन होकर जाती थी। इस इमारत ने बहुत गोले बारूद को सहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे रेलवे हुसैनीवाला रेलवे स्टेशन, ओल्ड रेलवे स्टेशन है, और यहाँ मेरे लेफ्ट साइड पे
पंजाब माता की समाधि है, जो कि भगत सिंह जी की माता जी थी। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये फिरोजपुर हुसैनी वाला बॉर्डर का अंतिम नॉर्थ रेलवे का पटरियां समाप्त हो रही है। ये एंड ऑफ नॉर्थ रेलवे है। जी हाँ, एंड ऑफ नॉर्थ रेलवे है।